अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सैयदा सादिया फ्रॉम R&S यूनानी फार्मा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में 10 ईयर से किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन पे वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल कामयाबी के साथ। इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और गुर्दे की पथरी के ऊपर हम लोग परहेज भी नहीं बताते, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो ये हमारा ख़ानदानी सिलसिला है और यहाँ पर अब हम लोग बिदर में हम लोग को इनवाइट किया गया यहाँ के ज़ेरे निगरानी मोहम्मद फैयाज HKGN, सोशल वर्कर मोहम्मद असलम भाई, तो ज़ेरे निगरानी ये लोग के कुछ डॉक्टर्स की टीम है, काम कर रहे हैं। तो ये लोग का ये इरादा है कि यहाँ की भी आवाम को फ़ायदा हो, जो कि 70-80 ईयर्स के जो पेशेंट्स है ज़्यादातर, वो लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिसको पथरी हो जाती है फिर वो ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते, तो ऐसे पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है, डॉक्टर संतोष कुमार और डॉक्टर दीपा नंदिनी, तो और भी डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। जिस किसी को भी पथरी की शिकायत है, जो कोई परेशान है इस बीमारी से, वो लोग कॉन्टैक्ट करिए और मज़ीद तफसीलात के लिए 9703939436 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह सारी आपको डिटेल्स बताई जाएगी। यहाँ पर बिदर में केस हॉस्पिटल है, यहाँ पर जिस किसी को भी तकलीफ़ है यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह नंबर जो आपको दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट करें मज़ीद तफसीलात के लिए। स्पेशलिस्ट किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट है, और जिस किसी को भी जैसे कि जॉइंट पेन, जॉइंटिस और फैटी लिवर की जिस किसी को भी शिकायत है, ऐसे भी पेशेंट यहाँ पर विजिट करें इंशाल्लाह। मैडम आप यहाँ पर रेगुलर रही हैं क्या, विजिट करेंगे? हम यहाँ पर हम विजिट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रहेगी और यहाँ पर फैयाज भाई HKGN की निगरानी में ये काम सारा होगा इंशाल्लाह। हम लोग एक्चुअली हैदराबाद में हमारा मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, वहीं से प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, स्टॉकर्स और डीलर्स हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं R&S यूनानी फार्मेसी का मार्केटिंग मैनेजर हूं और बिदर की आवाम के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि किडनी और गाल ब्लैडर के स्टोन की कामयाब इलाज हम लोग हैदराबाद में कर रहे हैं। तो बिदर के कुछ पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे KS हॉस्पिटल में हमारा एक ब्रांच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री तो हैदराबाद में है, लेकिन यहाँ पर हमारे फैयाज भाई KGN की ज़ेरे निगरानी इस हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ पे दवाई आपको साल के 12 महीने मिलेगी। तो और फर्दर किडनी और गाल ब्लैडर के अलावा जॉइंट्स पेन हो गए और जिसको फैटी लीवर है और इरखान की भी अगर किसी को शिकायत है, KS हॉस्पिटल में आकर आप डॉक्टरों से रابطہ पैदा कर सकते हैं और इस दवाई से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग में अवेयरनेस बताकर यहाँ पे आकर आप लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। और ये KS हॉस्पिटल है ना, जनवाड़ा रोड पर है। इतला आपको मैं ये दे रहा हूँ कि फैयाज भाई KGN के निगरानी में ये सब काम होगा, डॉक्टर्स की टीम रहेगी। इंशाल्लाह हमारा दवाई का मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री हैदराबाद में है, हमारा पॉलीक्लिनिक भी हैदराबाद में है, फार्मेसी भी हैदराबाद में है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग हफ्ते और 10-15 दिन में हमारी विजिट्स भी रहेगी यहाँ पर। अगर कुछ पेशेंट को कुछ और डिटेल्स मालूम करना है तो फैयाज भाई और उनकी टीम भी है यहाँ पर, और उसके अलावा भी अगर वो लोग हमसे भी रابطہ पैदा करना है तो रابطہ कर सकते हैं आप। और हम लोग का और फैयाज भाई से जब बात हुई है हमारी, तो हम लोग प्लान ये करें कि 15 सितंबर के दिन KS हॉस्पिटल में एक कैंप रहेगा। उस वक्त डॉक्टर्स की टीम हैदराबाद से भी आएगी और यहाँ बिदर के भी जो डॉक्टर हैं सब मिलके बैठेंगे। तो आप लोग सब आकर अपना आप अपनी बीमारी बताकर आप मशवरा भी ले सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं, आप अपना इलाज करवा सकते हैं। इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और अल्लाह इसमें शिफा रखा है और आप लोग को बहुत अच्छा इलाज होगा इंशाल्लाह हमारे पास। कैंप का टाइमिंग क्या रहेगा? और कैंप की जो टाइमिंग रहेगी इंशाल्लाह सुबह में 11 बजे से शाम में 4 बजे तक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुभान व तआला का बड़ा फजल हुआ, करम हुआ, अल्लाह ताला ने फिर से एक बार मुझको खिदमत करने की तौफीक दी। अल्लाह ने
हैदराबाद से जो खिदमत गुजार बड़े डॉक्टर्स जो आए हैं, अल्लाह ने उनको मेरे पास ज़रिया बना के भेजा है और ये लोग बहुत अच्छे अंदाज में हैदराबाद में काम कर रहे हैं। हमारे कई दोस्त जो है ना यहाँ से जाके उनके नेरे जिगरान में जो है ना इलाज करा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को शिफा हो रहा है। इसी दौरान हमने उनसे बात की और उनको हमने यहाँ पे बुलाने का मौका अल्लाह ताला ने मुझको दिया और मेरे दावत पे आए हैं। तो आप सबसे मेरी अदबन गुजारिश है, आप भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए, ख़ास करके स्पेशली किडनी और जो है सो ब्लैडर और जो है सो जो जॉइंट पेन के जो ये लोग स्पेशल वर्क काम कर रहे हैं, अल्लाह ने इनके हाथों में शिफा रखा है। बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और शिफा भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। हम डॉक्टर्स लोग कुछ नहीं कर सकते, खाली दरिया बन सकते हैं। तो अल्लाह के फजल और करम से शिफा हो रहा है। तो आप सब अदबन बिदर की आवाम को ये खुशखबरी दी जाती है कि यहाँ पे आइए और अपना इलाज करवाइए और कम से कम खर्चे में और आपको इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगा। आप खुद देख के दूसरों को भी बोल सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम यहाँ पर KS हॉस्पिटल आए हैं और ख़ास तौर से एक हैदराबाद से टीम आई है जो किडनी में स्टोन के स्पेशलिस्ट, क्योंकि जो भी ये इनका जो ख़ानदानी जो इलाज है जो कर रहे हैं, हमारे पूरी टीम डॉक्टर साहब वगैरह सब आए हैं और हमारे फयाज भाई साहब जो KGN ग्रुप के जो मेन और जमीयतुल उलमा के जो बीदर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हैं, उनके ही हॉस्पिटल में ये जो है ना आके ये तमाम बीदर के लोगों को खुशखबरी सुना रहे हैं कि तमाम लोग जो भी है जिसको भी किडनी में स्टोन है, पित्ते में स्टोन है और ये इनके पास नंबर वन इलाज है। और कोई भी अगर आएंगे ना यहाँ पर हमारे यहाँ पर डॉक्टर संतोष कुमार है यहाँ के तमाम डॉक्टरों से और यहाँ पर इन्होंने आके बड़ी खुशखबरी है स्टोन के पेशेंट के लिए और यहाँ पर कैंप भी रखने का है। इनको हर महीना 8 दिन 15 दिन को कैंप रखेंगे और वो कैंप में आप आकर इलाज कर ले सकते हैं। जो भी है इतना कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। मैं मोहम्मद असलम मियाँ चिड़गुप्पा से सोशल वर्कर हूँ और बस इतना कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारिज अफनान है। आज हम यहाँ पे KS हॉस्पिटल में जमा हुए हैं। यहाँ पे हैदराबाद से बहुत बड़े डॉक्टर्स की टीम आई है जो किडनी का और पित्ते का जो कंकर होता है उसका इलाज करते हैं। बहुत नंबर वन दवा है, हैदराबाद में इनकी फैक्ट्री है जहाँ पे ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। इनकी निगरानी में यहाँ पे डॉक्टर सैयदा मौजूद है जिनकी निगरानी में ये दवा बनती है हैदराबाद में, और यहाँ पर वो एक ब्रांच चालू करने के लिए आए हैं बीदर में KS हॉस्पिटल में। तो उसके लिए आपको इतला दे रहे हैं कि अगर आपको या आपके किसी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को ये बीमारी है, ये परेशानी है, तो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। 15 सितंबर को यहाँ पे कैंप रखा गया है जिसमें यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। डॉक्टर संतोष और डॉक्टर समीना यहाँ पे रहेंगे, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आके यहाँ पे मालूमात कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आइए, देखिए, समझिए, अगर आपको अच्छा लगा तो इस्तेमाल करिए और दूसरों को भी बताइए, क्योंकि ये हैदराबाद में बहुत ज़्यादा चल रहा है। बीदर में बहुत सारे लोग उनके पास जाके ज़ेरे इलाज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो लोग दुआएँ भी दे रहे हैं। अगर आप भी ये मौका लेना चाहते हैं और सेहतमंद बनना चाहते हैं या दूसरों की दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ का एड्रेस दीजिए, ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर करिए, जहाँ तक हो सके वीडियो को फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और आप उनकी दुआओं में शामिल हो सके। KS हॉस्पिटल जियो टावर बिल्डिंग होमगार्ड ऑफिस के अपोजिट में फायर स्टेशन के पास जनवारा रोड पर ये हॉस्पिटल मौजूद है। आप ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट करके इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात करिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी हम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है रफ़ी भाई जिनका रिज़ल्ट सुनेंगे। वो वहाँ पे हैदराबाद में गए थे और अपने दोस्तों को भी लेके गए थे, उनको भी ये प्रॉब्लम था, उनको रिज़ल्ट अच्छा आया है। अभी हम उनका फीडबैक सुनेंगे, आप भी सुनिए, अब उन्होंने अपने बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे को पित्ते की शिकायत थी और मेरे 3 से 4 दोस्त को किडनी स्टोन का था, उनका 1 मंथ में रिमूव हो गया किडनी स्टोन। मेरे को पित्ते का भी 1 से 2 महीने से ले रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ है। आर्यस यूनानी हैदराबाद,
वो लोग को यहाँ पे अच्छा मेरे को लगा और तीन चार लोग के किडनी का स्टोन निकलने की वजह से मैं और फयाज़ भाई मशवरा करके उनको इनवाइट करके बुलाएं, और बिदर में ब्रांच उनका जो भी है फार्मेसी का वीकली में आना जाना, मतलब वीकली एक बार विजिट करेंगे 100% हो ट्रीटमेंट सेम, हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं किसी को, यहीं पर अवेलेबल होगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी।